रहीम, आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, आलू गोभी मसाला। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लिया है एक ये गोभी का फूल, जिसको हमने इस तरह से कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको हमने स्लाइसिस में बारीक कट कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसका हमने पेस्ट बना लिया है। और दो बड़ी साइज़ के ये आलू, जिनको हमने इस तरह से चॉप कर लिया है। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, क्वार्टर टीस्पून मेथी दाना, दो हरी इलायची, तीन लौंगे। तो आइए करते हैं रेसिपी स्टार्ट। तो अब सबसे पहले हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब हमारा ऑयल हीट अप हो चुका है, अब हम इसमें गोभी ऐड कर लेंगे। गोभी को फ्राई कर लेंगे सबसे पहले। ये इस तरह से हमारी गोभी फ्राई हो चुकी है, हाफ डन हो चुकी है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे। अब हम इसी सेम ऑयल में आलू को भी फ्राई कर लेंगे। आलू भी अच्छी तरह से हाफ डन हो चुके हैं, अब हम इनको भी बाहर निकाल लेंगे। अब हम ऑयल में ये खड़े मसाले ऐड कर देंगे। हमारा ज़ीरा और मेथी अच्छी तरह से चटक जाए। अब हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। अब हमारे प्याज सॉटे हो चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन, इसको भूनेंगे। अब हमारी प्याज अदरक लहसुन अच्छी तरह भुन चुकी हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर पेस्ट। इनको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। प्याज और टमाटर अच्छी तरह भुन चुके हैं, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची। अब हम इसमें ऐड करेंगे ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, नमक और काली मिर्चें। सारे मसालों को अब हम अच्छी तरह भून लेंगे। अब हमारे मसाले अच्छी तरह भून चुके हैं, अब हम इसमें ऐड कर देंगे एक कप के करीब पानी, क्योंकि आपको जितनी ग्रेवी रखनी हो आप उस हिसाब से पानी ऐड कर दें। अब पानी में बॉयल आ चुका है, अब हम इस पॉइंट पे इसमें ऐड कर देंगे गोभी और आलू। इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून जो हमने गरम मसाला लिया था और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हाथ से क्रश करके ऐड करेंगे। अब हम इसको कवर कर देंगे लो मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। अब जी 5-10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से है हमारी सब्ज़ी। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है। आलू मसाला गोभी रेडी है। अब हम इस पे थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे।
और फ्लेम को ऑफ करके हम इसको 5 मिनट कवर करके रखेंगे। अब हम फ्लेम को ऑफ करके इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि हरी मिर्चें और धनिया का फ्लेवर इसमें आ जाए। तो जी 5 मिनट के बाद अब हम इसको करेंगे डिश आउट। ये देखें कितनी मज़ेदार इसकी खुशबुएं आ रही हैं, बहुत ही मज़े की हमारी आलू मसाला गोभी बनी है। अब हम इसको करते हैं डिश आउट। तो जी हमारी मज़ेदार सी मसाला आलू गोभी बनके रेडी है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।